बिलासपुर जिला में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए जिलाधीश बिलासपुर विवेक भाटिया द्वारा पिछले एक साल से किए जा रहे प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में घोषित हुए हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के परिणामों में प्रदेश भर में टॉप 10 मेधावियों में जिला बिलासपुर अन्य जिलों को पछाड़ते हुए नंबर 1 पर आ गया है। अन्य जिलों की अपेक्षा बिलासपुर जिला की सबसे अधिक 9 मेरिटें इस बार आई हैं। इसी मुद्दे पर अपने कार्यालय में जिला शिक्षा उपनिदेशक अमर सिंह ठाकुर के साथ पत्रकार वार्ता करते हुए डीसी बिलासपुर विवेक भाटिया ने बताया कि पिछले एक साल से किए गए विभिन्न प्रयासों से इस बार जिला में 12वीं कक्षा के बोर्ड के वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम बहुत ही बढ़िया रहे हैं। डीसी विवेक भाटिया के प्रयासों से जिला में पहली बार विज्ञान संकाय के विद्यालयों के लिए प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन भी किया गया। प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र डाइट जुखाला के सहयोग से अनुभवी अध्यापकों से तैयार करवाए गए थे। जिलाधीश ने जिला के बड़े बड़े अधिकारियों को एक एक स्कूल की जिम्मेवारी सौंपी थी। डीसी विवेक भाटिया ने बताया कि इस बार जिला में बोर्ड परीक्षाओं में शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 15 नवंबर तक पाठ्यक्रम को पूर्ण करवा लेने का लक्ष्य तय किया गया था। प्रयास किया जा रहा है कि इस बार कला संकाय की छात्र छात्राओं के लिए भी प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित हो सके। बिलासपुर में पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने युवाओं के साथ मिलकर जिला मुख्यालय पर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया। जागरूकता रैली की अध्यक्षता समिति के प्रदेशाध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने की। इस अवसर पर शहीद अनंतराम की धर्मपत्नी मीरा देवी ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रैली परिधिगिरी से शुरू होकर मेन मार्केट चंपा मार्केट और मुख्य बाजार से होते हुए गुरुद्वारा चौक कॉलेज चौक तक निकाली गई। इस रैली में शामिल पूर्व सैनिकों एवं अन्य लोगों ने मतदाताओं से लोकसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आह्वान किया। समिति के प्रदेशाध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने कहा कि लोकतंत्र का ये महापर्व 5 वर्षों में एक बार आता है। इस महापर्व में हम सबकी भागीदारी बेहद ही जरूरी है ताकि देश में सही और स्थायी सरकार बन सके। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को कांग्रेस मुक्त कर दिया है और लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस भी गांधी मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस में देश भर में टिकट मांगने नहीं छोड़ने के हालात बने हुए हैं। वाराणसी से कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को उतारने की बात कही जा रही थी, जबकि ऐन मौके पर अन्य नेता को चुनाव में उतार दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है, अब उन्हें देश से भी माफी मांगनी चाहिए। सीएम ने कहा कि नेता विपक्ष बताएं कि रामलाल को हारने के लिए क्यों धक्का दे दिया। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर के नामांकन उपरांत दाड़ी में आयोजित जनसभा में सीएम ने कहा कि नेता विपक्ष को ना जाने क्या जल्दबाजी लगी रहती है, ऐसे में हारने के लिए रामलाल ठाकुर को चुनाव में धकेल दिया है। जयराम ने आरोप लगाया कि मोदी को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट होने का दिखावा कर रहा है, जबकि पीएम के नाम पर भी सभी एक दूसरे से अपना नाम घोषित करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का महागठबंधन तेल और पानी जैसा है, जिसका कभी तालमेल नहीं हो सकता। सीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि मोदी ने 5 साल में कुछ नहीं किया। अरे भाई, कुछ भी नहीं किया तो महागठबंधन किस लिए बना रहे हो? उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश की 4 सीटों पर उम्मीदवार नियुक्त करने में 15 मिनट से भी कम का समय लगाया। हमारे उम्मीदवार को देखकर सारे तगड़े कांग्रेसी अपनी साख बचाने के लिए एक दूसरे को इस चुनाव में आगे धकेलने में लग गए थे। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी सबर संयम रखे, हम जीत रहे हैं। सतपाल सत्ती पर सीएम ने कहा कि शुरुआत कहां से हुई, पीएम पर राहुल की टिप्पणी से भावनाएं आहत होना लाजमी है, ऐसे शब्द सुनकर गुस्से में कुछ निकल जाता है।
सीएम ने कहा कि जनता में भाजपा को लेकर जोश व जुनून देखने को मिल रहा है। बीजेपी से 3 बार सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सहित भिन्न उच्च पदों पर रहे सुरेश चंदेल ने कांग्रेस में जाते ही भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए चंदेल ने अनुराग पर तीखा हमला बोला। चंदेल ने कहा कि अनुराग ठाकुर ना ही जनता के संपर्क में रहे हैं और ना ही क्षेत्र की पंचायतों तक पहुंच पाए हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा संघ को आतंक की पाठशाला कहने के सवाल पर चंदेल ने आरएसएस का भी देश में अपना योगदान होने की बात कही। चंदेल ने कहा कि आरएसएस में उन्हें कई अच्छी बातें सीखने को मिली हैं जिन्हें वो कांग्रेस पार्टी में साझा करेंगे। वहीं पूर्व बीजेपी सांसद ने खुद पर प्रश्न पूछे जाने के एवज में पैसे लेने के आरोपों को पूर्व सुनियोजित साजिश बताया है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और ऊना सदर से कांग्रेस के विधायक सतपाल रायजादा भी मौजूद रहे।